वेलकम टू गुड़गांव वाटर पार्क। रिकॉर्डिंग कर ली। वो भेज दिया था मैं। हॉस्पिटल वाला से कैशबैक मांग रहा है ये बंदा। गुड मॉर्निंग गाइस, अब जो डेली का रूटीन है वही स्टार्ट करते हैं। घूमने फिरने की वीडियो है जो वो आपको मिलेंगी, अब वो दो दो दिन में मिलेगी या फिर हर रोज मिलेगी, वो जैसा भी होगा। वीडियो एडिटिंग के ऊपर है, इस तरह से एडिट होती है वीडियो। भैया एडिट करने में बहुत ही ज्यादा, ये लगा लो ना सिर फटता है, तो इसलिए जैसा भी है वो वैसे आती रहेगी, आपको वैसे पता चलता रहेगा। पीयूष की भी और मेरी भी, दोनों की वीडियो जैसे भी आती रहेगी। अभी ये मेरे को ले आया, उठा के, बारिश हो रही थी मस्त, मैं सोने के मूड में था, सुस्ती आ रही थी भाई, फुल सुस्ती थी बिल्कुल शरीर में। रात को लाइट नहीं है, गर्मी में सोया है। भाई पीजी में पूरा ना तत्कल दिन में लाइट थी ना रात में लाइट आई, गर्मी में वैसे सोया, और गर्मी में ना बस नींद में नशे नशे में सो गया। भाई मैंने इसको रात को बोला कि हॉस्पिटल आ जा, मस्त ऐसे चल रहा था, मेरी गलती है, बता क्यों ना आयो। उस टाइम पे लाइट आ गई थी। मैं सोया सोते लाइट गई। भाई तो ऐसा कुछ हुआ रात में, मेरे साथ धोखा कर दिया लाइट ने, और मेरे रूम में खिड़की वगैरह नहीं है तो इसलिए वहाँ पे बाहर गया। खिड़की वगैरह तो है पर इसने सारी बंद कर रखी है एसी चलाने के चक्कर में। हाँ तो फिर वो खिड़की ब्लॉक होगी ना, फिर एसी की कूलिंग नहीं होती। ये जा रहा है मेरे को गुड़गांव लेके जा रहा है, गुड़गांव में कहाँ लेके जा रहा है ये नहीं पता। अब आगे आपको गुड़गांव भी दिखाऊंगा, जहाँ तक जाएंगे वहाँ अगर मिल गया तो। गुड़गांव ये देखो जैसे पानी भरा है ना, गुड़गांव का ये बड़ा बहुत ही गंदा काम है गुड़गांव में। जैसे ही हल्की बारिश आएगी, एक घंटा बारिश करवा दो, एक घंटे में सारे रोड पानी से तैरते मिलेंगे आपको। भैया एक चीज दिखाते हैं हम, हम है गुड़गांव में, हमारे प्यारे गुड़गांव में, और आज से बारिश स्टार्ट हुई है, और ये देखो वेलकम टू गुड़गांव वाटर पार्क। आगे भी दिखा देंगे हम आपको, पहली रात की बारिश है भाई, बस इतने में गुड़गांव डूब गया है। क्या कहना चाहोगे मोहित भैया? कुछ नहीं, तैयारी चल रही थी भाई, 2 महीने की तैयारी है गुड़गांव। 2 महीने की नहीं भैया, जब से निशांत कुमार यादव डीसी आए थे उस टाइम से वे रोड पे हैं। अब ये नहीं पता मैं कितने मंथ हो गए उन्हें आए हुए, रोज यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। वहाँ पे आपको आगे तक दिखा देते हैं, दूर तक जूम करते हुए देखो ट्रक भी कैसे डूब डूब के जा रहे हैं। दिखाना भैया, मैं तब तक मोड़ लूं कहीं हम ना डूब जाए। कुछ नहीं दिख रहा इनको, ट्रैक्टर वालों को पिछले 6 दिन से यहाँ खड़ा देख रहा था, अब समझ में आया यहाँ पे क्यों खड़े हैं। यहाँ भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं, ये एडवांस में खड़े हैं कि जैसे ही गुड़गांव डूबेगा हम स्टार्ट कर देंगे पानी निकालना। चल यहाँ पे तो मान लेते हैं भैया नए सेक्टर कटे हैं, इतनी तैयारी अभी बहुत है इनको डूबने से बचाने के लिए नए सेक्टरों को। ये है भैया हमारा न्यू गुड़गांव भाई, ये है सिग्नेचर हॉस्पिटल गुड़गांव में। यहाँ इसकी पीयूष की नानी एडमिट थी, पीयूष साथ में। यहाँ पे आके पूछा तो हॉस्पिटल वाले कह रहे कि 4 दिन का, 26 को एडमिट हुई थी वो, कि 4 दिन का 6.5 लाख बिल बना दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि आज घर ले जाओ, पॉलिसी थी उनकी 6.5 लाख की, तो वो सारा कह रहे पॉलिसी का पैसा खत्म, अब कल से पैसे लगेंगे। किस बात के पैसे बनाए हुए? आज तो लाख बढ़ेंगे, मैं बैठे हूँ। वैसे यार गलत हुआ, क्या गलत हुआ? 40 वाले ना बनाए थे। मैं भी कहूँ भाई, मैं रोज यहाँ आ रहा हूँ, कभी मर्सिडीज मेबैक आ रही है, कभी रोल्स रॉयस आ रही है, ये इन्हीं पैसों से आ रही भाई, लूट लूट के इन्हीं से आऊंगे। ये स्कॉट में फॉर्च्यूनर चल रही है उनके साथ, स्कॉट में फॉर्च्यूनर, सोच सकते हो आप भाई। हॉस्पिटल में न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखो, दुनिया का सबसे लंबा ही हाईवे मिलेनियम सिटी से गुजरेगा, मिलेनियम सिटी यानी गुड़गांव से गुजरेगा, जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, डूबी पड़ी थी बाहर पूरा। भाई ये सुसाइड करने का जगह बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाली हाईवे था ही, इलेक्ट्रिसिटी यही है, जैसे पानी में उतरेंगे करंट खाओ मर जाओ। अरे कहते गुड़गांव गवर्नमेंट पेपर केस कर दे। गुड़गांव बहुत अच्छी जगह है, तो ये बना नहीं रही, बारिश के मौसम में अच्छी नहीं है। भाई लास्ट टाइम जब गुड़गांव डूबा था तो लोगों ने स्पीड बोट रोड पर चला दी थी, हॉस्पिटल वाले हमें पागल बना रहे हैं। क्या कर दिया? सुबह कह रहे लिमिट खत्म हो चुकी है, अब कह रहे सिर्फ 1 लाख का बिल बना है, 5 लाख तो बच रहे हैं अभी, मैं घर कैश कर दूँ। चलना नहीं था, चलना नहीं तो निकालते हैं। रिकॉर्डिंग कर ली भाई, ये गंदा है। हॉस्पिटल नहीं है, होटल है 5 स्टार। वैसे एक और बार बताता हूँ, देखो ये सेकंड फ्लोर, इसके हिसाब से रूम नंबर होते 200 स्टार्ट। हाँ। रूम नंबर देखो कितने स्टार्ट हो रहे हैं, एक बार 300 कौन सा है 300 चल रहा है भाई, ये कितने हरामी हो रहे हैं। इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ इनकी गलती थी, दवाइयाँ नहीं उठा के यहाँ से डिपार्टमेंट के अंदर खाली करके इनका आपकी छुट्टी हो रही है। देखो एक भी दवाई नहीं छोड़ी इन्होंने यहाँ पे, देखो
और ये भी भाई चलती हुई आईवी सेट बंद कर दिया इन्होंने बीच में ही। कैसे हैं हॉस्पिटल वाले? बाथरूम में? हाँ बाथरूम में। और भाई वाई फाई भी होना चाहिए पानी खींचने के लिए, ये तो गलती है ना। और क्या क्या नहीं? दवाई नहीं रहती यहाँ पे भाई, मेरी नानी ने सब कुछ चाहिए यहाँ पे। वो यहाँ पे बीमारी ठीक करने नहीं आ रही है, वो छुट्टियों पे आई है। वो कह तुम तो घुमा के लाते नहीं, मैं अकेली घूम आऊंगी, है ना माँ? है भाई मिस मैमवती आ रहे हैं तो झूठी घूमन आ रही है ना। भाई देख मैं बता देता हूँ आप सबको, ये मेरी नानी का रूम है घूमने के लिए। यहाँ पे फ्रिज है, ये टीवी है, ये वार्डरोब है, और ये पर्सनल क्या है वॉशरूम है। भाई आप क्वालिटी दिखा देते हम, देखो। भाई मैं आपको सोफा खोल के दिखाऊंगा। बेड बन गया। चल पीछे। इन्हीं चीजों के पैसे हैं भाई। इन पे खेलना है अगर तो दो दिन हो गए। और क्या? दो दिन नहीं चार दिन। माँ मैंने इनको कहा था। भाई नानी की एक कंप्लेंट है, इन्होंने यहाँ पे ना क्या कहते हैं सोप वगैरह रखी, ना शैम्पू रखा, ना कोलगेट रखी, ना ब्रश रखी। अब बताओ हम नानी के लिए क्या कर सकते हैं? ले आओ। मम्मा का फोन आ रहा है, रुक जा बंद कर, मम्मी मारेगी। तो वो सिक्योरिटी थी, कैशबैक नहीं था। हॉस्पिटल वालों से कैशबैक मांग रही है बंदा। यार इतना लाख की सेल करवाई उनकी, कुछ तो दो। वैसे हम ड्रेस लिए क्योंकि हम मानते हैं कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर कोई बंदा टीपी है मतलब कार्ड वगैरह किसी का इंश्योरेंस ना हो और कैश पे चल रहा हो तो उनका बन सकता है चार दिन का, पाँच छः नौ दस लाख कितने बना सकते हैं। पर टीपीए वालों का छः लाख बिल बना दिया, वो सुन के हम डर गए थे। फिर हमने उनसे बात की, वे बोले सर सब क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, बस अभी तो आपके लाख रुपए यूज हुए, बाकी मेरे को कैश कर दो। कैश बैक तो जरूर दे दिया, कैश कर दो। नहीं सर हम ऐसे नहीं कर सकते। गुड़गांव वाटर पार्क दिखाते हैं हम आपको, दिखा दिखा रहा दिखा रहा। ये वो भेज दिया था ना। कौन दो पोल्यूशन वाला भैया, हमने किसी को भेज दिया, हमारी गलती है, वाटर पार्क में रहोगे तो। वो देख रहा है जानबूझ के लगेगा गाड़िया दे रहा होगा। बस नु थोड़ी देर है वीडियो बना रहा था, वो बच गया ठोक दे ऐसे बैठे वीडियो में फंस गया, केस तेरे ऊपर आना सारा। ये अपनी वैक्सिंग स्टिप ले आया। भाई मैं लाया हूं, मेरे घर में ना मुझसे आ रखे हैं बहुत सारे, देख मैं वीडियो दिखाता हूं आप लोगों को। मुझसे दिखा कि इस पे माउस है, इस पे कहीं नहीं है इस पे माउस। ये यार माउस कहां गया? देखो भाई मैं रात को ऐसे माउस हंटिंग करता हूं रोज। कितने बार पाड़ेगा ना तो बता दे। तेरे पाड़ू सिर के, सिर के ना पाटे बहुत अंबा इससे कुछ ना छोटा चिपका हुआ है। तो भाई मेरे लिए ऐसा होता है, मैं जब भी ये रखता हूँ कोई माउस वगैरह चिपक जाए उसके अलावा सब चिपक जाता है, छिपकली चिपक जाती है, कीड़े चिपक जाते हैं, पर वो नहीं आते, पता नहीं क्यों समझदार हो गए हो।